हेलो एंड वेलकम टू अलसरम एजुकेशन। तो आज हम बी जी एल 136 इंग्लिश एट द वर्क प्लेस का असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये है 2022-2023 सेशन का असाइनमेंट, मतलब कि जो अभी जून में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, जो दिसंबर में देने वाले हैं, वही असाइनमेंट करेंगे। ये फुल्ली सॉल्व असाइनमेंट है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, ये हम सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, जो ऑफिशियल लेखनऊ का क्वेश्चन पेपर होता है, मैं आपको वो दिखा रही हूँ पहले। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पैसेज पढ़ के आंसर देना होगा, तो पैसेज हमें रीड करना है, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमें लिखने होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। ऐसे हमें सारे क्वेश्चन मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ये कम्प्लीटली फ्री फुल्ली सॉल्व असाइनमेंट होने वाला है, तो आप आराम से ये वीडियो को फुल देख के अपना असाइनमेंट बना सकते हो, क्योंकि ये मैंने आपके लिए बनाया है स्पेशली, ताकि आप लोगों को हर पारी आप कहीं भी जाओगे तो बोलेंगे वेबसाइट पे जाके ख़रीद लो, या फिर ऑनलाइन अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हो तो लोग कहते हैं पेमेंट कर दो, व्हाट्सएप के थ्रू पेमेंट कर दो, यूपीआई कर दो, पर मेरे ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको कम्प्लीटली फ्री असाइनमेंट प्रोवाइड करा रही हूँ, फ्री मतलब बिल्कुल फ्री है। आप ये वीडियो को चलाओ और आराम से देख के अपने असाइनमेंट्स लिख लो। ये बिल्कुल अच्छे असाइनमेंट्स, अगर आपने ये असाइनमेंट्स बनाए तो आपको आराम से 80-85 मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि जो भी असाइनमेंट्स मैं बनवाती हूँ उससे बच्चों को अच्छे मार्क्स ही आते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी ईयर्स से मैं बच्चों के असाइनमेंट्स बनवा रही हूँ इसलिए, ठीक है। मैंने लास्ट ईयर भी असाइनमेंट बनाए थे, उसमें भी काफ़ी सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आए थे। तो आप ये असाइनमेंट आराम से बना सकते हो, वीडियो को पॉज करना चाहो पॉज कर लो, नहीं तो आप ऐसे देख के ही बना सकते हो। मैंने अच्छे से रोका है ताकि आप अच्छे से देख सको। एंड या मेक श्योर कि आप अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो, इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हैंडराइटिंग अच्छी ही होनी चाहिए आप बिल्कुल, मतलब अच्छी, मतलब ऐसा नहीं कि सुंदर सुंदर होनी चाहिए, इज़ दैट कि बस क्लियर होनी चाहिए कि आप जो भी देखे उसको समझ में आए, ओके। ऐसा आप ऐसे होता ना कीड़े मकोड़े बना देते हैं बच्चे, ऐसे मत करना, बिल्कुल साफ हैंड राइटिंग में लिखना। अगर आपको कर्सिव नहीं लिखना आता तो सिंपल लिख लो, और बोल्ड अक्षर में लिख लो, मतलब बोल्ड लेटर्स में लिख लो, सिंपल वर्ड्स में लिख लो ऐसे, अगर आपको कर्सिव नहीं आता है तो। बट मेक श्योर कि हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और आप जब क्वेश्चन लिखो तो ब्लैक कलर के, मतलब ब्लैक मार्कर से लिखना, मतलब ब्लैक पेन से और जब आप आंसर लिखो तो ब्लू पेन से लिखना, ये एक रूल होता है इसका। अगर आप ऐसे बनाओगे ना तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो असाइनमेंट चेक करेगा उस पर भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और आपको मेक श्योर पेज नंबर ज़रूर लिखना है, ठीक है। आप मेरी बात सुनते भी रहो और बनाते भी रहो। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना, आपको असाइनमेंट खुद बनाने हैं। काफ़ी बार यह होता है ना, बच्चे जाके ख़रीद लेते हैं, उस पर स्टोर पे कहीं भी आजकल मिलने लग जाते हैं हैंड रिटन असाइनमेंट्स, तो वो बच्चे खरीद ले, बट इट्स नॉट गुड। अगर आप अभी हैंड रिटन असाइनमेंट खरीदोगे ना तो अभी मे बी आपको शायद पास कर दें, बट जब आपका लास्ट ईयर होगा ना तब काफ़ी इशू होता है इस चक्कर को लेके, क्योंकि मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स का तरह हो चुका है, उन्होंने हैंड रिटन असाइनमेंट खरीद लिया था क्योंकि उन्हें लिखना नहीं था, आलस था, और उन्होंने हैंड रिटन खरीदा। उसके बाद जब लास्ट ईयर था तो काफ़ी इस चक्कर में इशू हुआ, क्योंकि असाइनमेंट वाले देखो वो बनवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पागल तो नहीं है जो बना रहे हैं आपसे लिखवा रहे हैं, उन्हें चेक नहीं करना, तो वो ज़रूर चेक करेंगे। एक्चुअली असाइनमेंट ना आपका टिकट टू एग्ज़ाम होता है, आपको एग्ज़ाम में बैठना तो असाइनमेंट देना ही होता है, इसके कोई नंबर नहीं जुड़ते। बट अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं कराया तो आप पेपर नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि मे बी शायद वो लोग चेक करते होंगे, जब आप पेपर तो आप खुद लिख के आओगे, वो तो आप किसी के थ्रू लिखवा नहीं सकते ना, तो शायद जब आप पेपर लिखो तो वो लोग आपकी हैंडराइटिंग और आपके असाइनमेंट की हैंडराइटिंग चेक करें, तब काफ़ी इशू आते हैं। तो अभी मेरे स्टूडेंट्स के साथ आया था, एक दो तीन चार स्टूडेंट्स के साथ ये इशू आया था, उन्होंने हैंड रिटन असाइनमेंट दिए, वो अप्रूव नहीं, उनका एग्जामिनेशन भी कैंसिल हो गया, इस चक्कर में उनके 6 महीने 1 साल ख़राब भी हो गए। तो अगर आप थोड़ा सा आलस अपना ना करके असाइनमेंट्स खुद बना लोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर ख़रीदने जाओगे हैंड रिटन असाइनमेंट्स तो देखो वो भी समझदार है। एक हैंड रिटन असाइनमेंट्स क्या है, कोई हर किसी के लिए हैंड राइटिंग वो तो मिलेगा नहीं, सबकी एक ही हैंड राइटिंग होती है जो भी वो देते हैं, है ना। तो जब वो लोग असाइनमेंट्स चेक करते हैं, एटलीस्ट एक बार ही देखते तो होंगे ना, तो उन्हें नहीं पता चलता होगा कि ये तो सारे असाइनमेंट्स एक ही राइटिंग में ज़रूर उन्होंने खरीदे हैं, तो उसके नंबर तो फिर कटेंगे ना। तो आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखो, अपने आलस को साइड में रख के असाइनमेंट को बना लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है।
अब मैंने काफ़ी सारी बातें कर लिया, अब आप लोग आराम से असाइनमेंट बनाओ, वीडियो को पॉज करना चाहो कर सकते हो। मेक श्योर पेज नंबर ज़रूर लिखना अपने असाइनमेंट के कॉर्नर में, क्योंकि वो ज़रूरी होता है। अच्छे से लिखना है, सुंदर सुंदर है राइटिंग में, और मुझे और कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लेना अगर आपको कुछ समझना है तो, ठीक है। और भी काफ़ी सारे असाइनमेंट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, मतलब आने वाली वीडियोज़ में आपको मैं और असाइनमेंट्स भी दे दूँगी। तो आप चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफ़ी सारे असाइनमेंट्स मैं और अपलोड करने वाली हूँ, और भी काफ़ी सारी अमेजिंग चीज़ें आने वाली है। और अब हम अपना ऑफलाइन सेंटर भी खोलेंगे, ऑलसेम एजुकेशन, तो उसकी डिटेल्स भी मैं आपको ज़रूर दूंगी, जिसके थ्रू हम आपके काफ़ी सारे आपको बेनिफिट्स होंगे। तो उसके लिए चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, फ्रेंड को भी शेयर कर देना अपने, कोई भी आपका फ्रेंड इग्नू में पढ़ता है आपके साथ है तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, उनको भी सॉल्व असाइनमेंट मिल जाएंगे। तो अब आराम से असाइनमेंट बनाओ।